नमस्कार दोस्तों, कार बेरार के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आंकड़े चल रहे हैं, आजकल आंकड़े कैसे बोलते हैं, तो अभी चल रहा है मार्च का महीना, तो अभी सबकी लेखा जोखा दे लेते हैं क्या बना है पिछले महीने, यानी कि जनवरी और फरवरी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस रहे मिनी एसयूवीज की आंकड़ों के अंदर, कितनी सेल उन्होंने हासिल की, कितनी ग्रोथ या डी ग्रोथ उन्होंने देखी, तो उसके बारे में आज दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों कभी नीचे ना उतरने वाली गाड़ी, कभी पेट्रोल गाड़ी इसमें होती नहीं थी, अब इसमें डीजल गाड़ी नहीं आती, हालांकि अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके अंदर डीजल गाड़ी भी आएगी, बट 1.5 लीटर के डीजल इंजन को छोड़ के पेट्रोल इंजन को साथ में लेके चलने वाली गाड़ी मारुति सुजुकी की ब्रेजा वो आज भी नंबर वन पे है। 11,585 कारें बिकी हैं ये वाली फरवरी 2021 में। जनवरी में इसकी सेल थी दोस्तों 10,623, यानी कि इसने ग्रोथ हासिल की है 9.06% की, 9.06% की परसेंटेज की पॉजिटिव ग्रोथ हासिल की है, तो एक अच्छा साइन है इसके लिए। अगर दूसरी गाड़ी देखें दोस्तों वो है ह्यूंडई की वेन्यू, जो कि इसके नीचे ही रहती है हमेशा, दो नंबर पे ये गाड़ी चलती रहती है। 11,224 कारें ये भी बिकी हैं, और पिछले महीने यानी कि जनवरी के अंदर देखें तो 11,779 कारें बिकी हैं, जो कि 4.71% की डी ग्रोथ यानी कि गिरावट के साथ हमारे सामने देखने को आती है कार ये, तो 4.71% की गिरावट आना इसके लिए कुछ अच्छा संकेत नहीं है। इसके लिए कुछ कयास भी लगाए जा रहे थे कि कोई थोड़ा सा इसके अंदर अपडेट भी आ रहा है, तो हो सकता है उन रूमर्स का भी बहुत फर्क पड़ता है जब इसकी सेल्स की बात आती है। तो अगली बात करें तो दोस्तों किया की सोनेट हमेशा तीसरे नंबर पे इसके साथ रहती है। इन दोनों गाड़ियों में हमें सभी को पता है कि जो इनके प्लेटफॉर्म्स हैं और इंजन से ये दोनों गाड़ियाँ शेयर करती हैं, दो पेट्रोल और एक डीजल का इंजन इसके अंदर आता है, वेन्यू के अंदर भी आता है, IMT DCT जैसी सुविधाएं भी इन गाड़ियों के अंदर आती हैं। तो इसकी सेल फिगर की अगर बात करें तो 7997 कारें बिकी हैं इस फरवरी 2021 में। जनवरी की अगर बात करूं तो 8859 कार्स बिकी थी, 8859 कारें बिकी थी, जो कि 9.73% की डी ग्रोथ है इस गाड़ी के लिए, 9.73% की गिरावट आई है इस गाड़ी की सेल फिगर के अंदर। अगर बात करें अगली तो इंडिया की सबसे ज़्यादा 5 स्टार लेके आने वाली सेफेस्ट कारों के अंदर पहली कार थी टाटा की नेक्सन, जिसने की सस्पेंशन, लुक्स और अपने फीचर्स के कारण सबसे बड़ी बात प्राइजेस के साथ भी इसने बहुत अच्छा अपना नाम कमाया। जो लॉन्च होने के साथ से ही अब तक सेल फिगर में ठीक ठाक से परफॉर्म करती रही है। पिछले साल इसको थोड़ा माइल्ड लाइफ अपडेट भी मिला था जब BS6 में कन्वर्ट किया गया था इसको, तो अब दोस्तों इसकी सेल फिगर है 7929, जनवरी में थी 8225, यानी कि थोड़ी सी -3.60% की इसको डी ग्रोथ का सामना करना पड़ा, गिरावट आई इसकी सेल में, उसका कारण भी आपको आगे समझ आ जाएगा जब मैं अगली गाड़ी की बात करूंगा। रेनॉल्ट की काइगर जब जैसे ही लॉन्च हुई है उसके प्राइसेस ने सबको अट्रैक्ट किया, और उसके जो स्पेस, लोगों को ये लगता था, सबका ये मानना था कि ये छोटे कॉम्पैक्ट साइज की गाड़ी होगी और कम प्राइस के अंदर आ रही है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज किए जाएंगे। काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात ठीक है, लेकिन अगर स्पेस की अगर बात करें तो स्पेस इनसे सभी से ज़्यादा भी उल्टा इसमें निकल के आई। बूट स्पेस पर्टिकुलर देखें तो सेगमेंट में सभी गाड़ियों से सबसे ज़्यादा है। लेग रूम, शोल्डर रूम, नी रूम की अगर बात करें तो यहाँ भी दावा सबसे ज़्यादा स्पेस का किया जाता है इस गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल गाड़ी के इंजन के साथ आती है, हालांकि दो इंजन है लेकिन वो भी दोनों पेट्रोल में ही हैं। अगर बात करें इसकी सेल फिगर की तो 3226 कारें बिकी है फरवरी 2021 के अंदर। जनवरी में गाड़ी लॉन्च नहीं हुई थी तो इसको 3226 मानकर चला जाए, जो कि इस गाड़ी के शुरुआती सेल फिगर के लिए बहुत अच्छी फिगर ये मानी जानी चाहिए, मेरे हिसाब से ये प्लस फिगर मानी जानी चाहिए। आगे बात करें तो दोस्तों XUV300 की बात करूँ, 3174 कारें बिकी हैं, ये इंडिया की सेफेस्ट कार जो थी वो टाटा नेक्सन थी, लेकिन ये गाड़ी ना सिर्फ एडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए 5 स्टार लेके आई, ये चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए भी अच्छे खासे स्टार्स लेके हमारे सामने आई। तो इस गाड़ी के जो सेल डाउन आने का सबसे बड़ा कारण दोस्तों है ये काइगर का और मैग्नाइट का सामने आना, और दूसरी बात इस गाड़ी के अंदर दोस्तों बूट स्पेस की थोड़ी कमी शुरू से रही है, तो इसलिए गाड़ी की सेल थोड़ी सी डाउन है। अच्छाइयाँ इसमें बहुत सारी हैं, सेफेस्ट कार है, डीजल इंजन सबसे ज़्यादा पावर वाला
इन पेपर्स माना जाता है और है भी अच्छी खासी इसके अंदर पावर पिकअप की भी क्षमता पूरी है। तो अगर देखें इस गाड़ी की सेल फिगर को तो 3174 गाड़ियाँ बिकी हैं फरवरी में। जनवरी 2021 में दोस्तों बिकी थी 4612 कारें। अगर माइनस में जाती इसकी गिरावट को देखें तो 31.18% रही हो, यानी कि 31.18% की इसको डी ग्रोथ का सामना करना पड़ा है। अगली गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो वो है फोर्ड की इको स्पोर्ट, जिसके अंदर की पहले सबसे उठने वाली कार थी ये मिनी एसयूवीज के अंदर। 10 लाख के अंदर इतना सारा काम और इतनी सारी स्पेस और इतने सारे फीचर्स हम इस गाड़ी के अंदर दे सकते हैं, ये चीज़ें दिखाने वाली गाड़ी थी फोर्ड की इको स्पोर्ट। इस गाड़ी की सेल में भी लगातार गिरावट आती जा रही है, हालांकि ये चलो जनवरी से थोड़ी सी ऊपर है ग्रोथ इसकी, मैं वो बता देता हूँ आपको इसके बारे में, लेकिन इस गाड़ी में की सेल्स में ओवरऑल बहुत फ़र्क पड़ा है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है, आए तो सबसे पहले थे लेकिन सबसे पीछे रह गए। कोई भी ज़्यादा मेजर बहुत बड़ा अपडेट या बहुत बड़े इंजन या डिज़ाइन के अंदर कोई अपडेट नहीं दिए गए। टाइमली इसके अंदर फीचर्स के अपडेट तो दे दिए गए, लेकिन बहुत बड़े कोई फिगर्स जो कहें कि डिज़ाइन के अंदर फर्क, वैसा कुछ नहीं दिया गया। अभी इसके अंदर SE वेरिएंट पेश किया गया, तब करके इसकी ग्रोथ का कारण सबसे बड़ा वो भी बन सकता है, जिसके अंदर की स्टेपनी हटा दी गई है पीछे से। तो थोड़ा सा लोगों को उसका क्रेज़ भी था, वो पसंद आ रही है, फैक्ट्री फिटेड सब कुछ आया। हालांकि कई लोग क्या करते थे कि इसकी स्टेपनी पीछे से हटा के उसको किसी तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन फैक्ट्री फिटेड है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा प्लस पॉइंट लेके चलने वाली गाड़ी है फोर्ड की इको स्पोर्ट, जिसके कि आंकड़े कुछ इस प्रकार से हैं। 3171 कारें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 कारें कम बिकी हैं XUV300 से फरवरी में, जो पिछले महीने की जो ग्रोथ है उससे 2226 बहुत अच्छी ग्रोथ की है, जो कि 42.45% की प्लस यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ लेके चली है। ये ज़्यादा कारें बिकी हैं। अगली बात करो तो दोस्तों निसान की मैग्नाइट, जो कि पीछे रह गई है, उसका कारण काइगर के अंदर इंजन सब सेम है, प्राइसेस तकरीबन सेम है काइगर से, लेकिन उसके पास स्पेस बहुत ज़्यादा, इसके पास स्पेस की कमी थी, फीचर्स इसमें ज़्यादा हैं। तो इसके बारे में अगर दोनों का मुकाबला देखना है तो आपको कार मिरर के ऊपर निसान वर्सेस मैग्नाइट वाला वीडियो देख लीजिए, बहुत ही प्रैक्टिकलिटी के साथ सारे फीचर्स के हिसाब से मैंने वो वीडियो बना रखा है, आपको वहीं से पता लग जाएगा इसकी सेल कम होने का कारण क्या है। तो 2991 इसकी कारें बिकी हैं फरवरी 2021 में, जनवरी में इसकी कारें बिकी थी 3011, -0.66% की इसको डी ग्रोथ का सामना करना पड़ा, जो कि बड़ी बात नहीं है, बट काइगर के मुकाबले काफ़ी कम कारें बिक रही हैं ये। अगर बात करें अगली कार की तो वो है अर्बन क्रूज़र, ब्रेजा का संस्करण जो पहले पायदान पे है, 9वें पायदान पे है। अर्बन क्रूज़र का सेल की अगर मैं बात करूँ तो वो है 2549, यानी कि 2549 जनवरी 2021 में जो कारें बिकी थी ये थी 3075 कारें। इसके डाउन आने के भी वही बहुत सारे कारण हैं, नई कारें आ गई हैं और टोयोटा के अंदर अर्बन क्रूज़र का आना कोई ज़्यादा बहुत बड़ा अच्छा साइन नहीं था। मिनी एसयूवीज़ के अंदर टोयोटा को अपना कुछ प्रोडक्ट नहीं दिखाया, सिर्फ सबको पता है कि उसी गाड़ी को उठा के यहाँ पे टोयोटा का बैज लगा के सामने पेश कर दिया गया है। तो 17.11% की डी ग्रोथ यानी कि गिरावट का सामना इसको भी करना पड़ा। अगली बात करें तो होंडा की WRV, जिसको कि SUV कहते हैं, हालांकि है नहीं, जैज का ही एक संस्करण है, ये अपडेटेड संस्करण कह सकते हैं उसको, जो SUV टाइप स्टांस दे दिया गया इसको, SUV है नहीं है। अब इसमें क्या फ़र्क पड़ा है, 1004 कारें बिकी हैं ये फरवरी 2021 में, जो कि जनवरी की सेल की अगर बात करो तो 1211 थी। अब डी ग्रोथ की बात करूँ तो 17.09% की डी ग्रोथ का सामना इस गाड़ी को भी करना पड़ा। तो दोस्तों अगर ओवरऑल इस आंकड़े को सबको देखें तो यही देख रहे हैं हम कि जिस गाड़ी के अंदर कुछ अपडेट या कुछ फेसलिफ्ट आता है वो गाड़ी ज़्यादा बिकती है, और फरवरी और जनवरी के आंकड़े के हिसाब से आप देख सकते हैं कि मार्च के अंदर किस गाड़ी को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। तो बताइएगा दोस्तों ये आंकड़े आपको कैसे लगे, आंकड़े पसंद आए, या कुछ कमेंट करना चाहते हैं आप इसके बारे में तो नीचे ज़रूर कर दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।